आज का हमारा टॉपिक है बॉडी मास। अब हम सोचते हैं बॉडी मास होता क्या है। बॉडी मास होता है रूल क्या, अगर हमें कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो किस रूल से करना है, बॉडी मास के थ्रू। अब बॉडी मास है तो है क्या, बॉडी मास होता है ऐसे कोई भी क्वेश्चन आया है अगर उसमें ब्रैकेट लगा है तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट, उसके बाद तो जिस ऑर्डर में क्वेश्चन लिखा होगा वो, उसके बाद डिवाइड होगी, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। अब इसी के उस पर बॉडी मास के आधार पर मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि हमें ये क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व होना चाहिए, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में क्या लिखा है, 2 × 2 मैं लिखूंगा 4, बाकी माइनस ऐसे उतारा। अब क्या सॉल्व होना चाहिए, डिवाइड, 5 इससे 5 की डिवाइड कर दो क्या आएगा, 1। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 1, उसके बाद बाकी चीज़ें 2 + 3 − 4 मल्टीप्लाई वैसे ही लिख दिया। अब सबसे पहले क्या सॉल्व होना चाहिए, मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है डिवाइड के बाद। तो अब 4 × 4 आएगा, ठीक है, 2 + 3 − वैसे ही लिखे रहने 2। अब क्या सॉल्व होना चाहिए, ऐड, 2 + 3 − 5 − 4 − 4 एंड में रह जाता है सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में भी क्या रह गया, सब्ट्रैक्ट। तो 5 − 4 क्या आएगा, 1, और 1 − 4 तुम्हारा आ जाएगा −3। कैसे आया −3, प्लस का 1 है, प्लस माइनस, माइनस 4 में से बन गया 3, और माइनस का साइन क्या आएगा, वो बड़े माइनस का साइन है। तो आप सबको